जी तो मेरी स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है? यस सर जी यस जी ठीक है। तो सर मेरा बेसिकली क्वेश्चन जी है सर, कल हमने डेमो क्लास में सर ने बताया था पेड मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर मार्केटिंग ना, जी तो सर मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना था कि ये हमें मतलब ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए क्या होता है, पेड मार्केटिंग में हमें ज्यादा रिस्पांस मिलता है या जो सॉफ्टवेयर मार्केटिंग होती है उसमें ज्यादा रिस्पांस हमें मिलता है? रिस्पॉन्स को अगर आप देखते हैं तो ये आपके अपने स्किल्स होते हैं कि आप मार्केटिंग जो है वो किस चीज़ से कर रहे हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर्स को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जो हम जो तरीके सिखाएंगे आपको इस कोर्स में, अगर आप उन्हीं तरीके को फॉलो करते हैं तो आपको जो सॉफ्टवेयर मार्केटिंग है उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स आपका अच्छा जा सकता है। अब पेड मार्केटिंग में ये होता है कि इनिशियली आप लोगों को थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो कि ज़्यादा होते हैं अगर आप फेसबुक की बात करें और इंस्टाग्राम की बात करें, तो वो पैसे क्योंकि डॉलर्स के रेट के साथ वेरी भी करते हैं। तो आप उस मार्केटिंग में जो आपकी ऑडियंस होती है ना, बेसिकली उस ऑडियंस को आप टारगेट नहीं कर सकते कि जितना आप सॉफ्टवेयर मार्केटिंग से कर सकते हैं। मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे कोई ऐड चलाते हैं या फेसबुक पे, तो उस पर आप 1,000 रुपये आप स्पेंड करते हैं, तो हो सकता है आपका वो जो मैसेज है वो 1,000 लोगों तक पहुंचे। लेकिन अगर आप एज़ कम्पेयर टू पेड मार्केटिंग सॉफ्टवेयर मार्केटिंग से वही ऐड चलाते हैं, तो हो सकता है आपका वो 2,000, 3,000, 5,000 लोगों तक भी, यानी कि जितना आप चाहें आप उतना शेयर कर सकते हैं, और उसमें आपकी कॉस्ट भी उतनी नहीं आती एज़ कम्पेयर टू पेड मार्केटिंग। तो ये सिनेरियो है दोनों चीज़ों का। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। तो बेसिकली जो हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर है वो हमारा है बेसिक टू एडवांस। बेसिक लेवल पे मैं आप लोगों को कैनवा प्रो पे डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा, फिर जैसे जैसे हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे तो बेसिक लेवल में लोगो डिज़ाइनिंग है, एडवांस लेवल पे जाके आगे 3D एनिमेशंस, प्रेजेंटेशंस और वीडियो लोगो, इस तरह की सारी चीज़ें हमने जो आपके कोर्स के लिए डिज़ाइन की हुई हैं वो हम विद इन यानी कि टाइम पीरियड के साथ साथ उसको बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा आज का है, जो हमने प्लान किया हुआ है, वो हम आपको लोगो डिज़ाइनिंग का सिखाएंगे कि हमने अगर कैनवा पे कोई लोगो डिज़ाइन करना है तो कैसे करना है। हमने जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है बेसिकली वो कैनवा है। अब कैनवा का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कैनवा में दो वर्जन्स हैं, एक फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है। फ्री में आप लोगों के जो टेम्पलेट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं वो थोड़े से लिमिटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पेड वर्जन। पेड वर्जन में आपके पास सारे टेम्पलेट्स की एक्सेस होती है। तो जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से बेसिक कैनवा ठीक है, बजाय इसके कि आप पैसे खर्च करें और कैनवा प्रो पे जाएं और कैनवा प्रो पे आप वही काम करें जो आपने बेसिक लेवल पे करना है। तो हमने आप लोगों को ट्रेन इसी तरह से करना है कि आप मिनिमम पैसे खर्च करते हुए ज़्यादा ऑडियंस तक जा सकें, अपने ज़्यादा स्किल्स को यूज़ कर सकें। तो हम कैनवा बेसिक पे भी आपको सिखाएंगे। बेसिकली मेरे पास जो वर्जन है वो कैनवा प्रो है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस पे अब काम कर रहा हूँ, तो मेरे जो रिक्वायरमेंट है वो कैनवा प्रो पूरी कर सकता है, तो इसलिए मैं बेसिक लेवल यूज़ नहीं करता। तो आप लोग भी जैसे जैसे आगे चलेंगे तो हम बेसिक से प्रो वर्जन की तरफ मूव करेंगे। सर जी, कैनवा प्रो पे ज्यादा अर्निंग होती है या जो फ्री वाला आपने बताया उस पर? देखें अर्निंग के हवाले से आप देखें तो अर्निंग आप दोनों पे कर सकते हैं। मैंने बताया कि आपको ऑडियंस बहुत मैटर करती है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा लोगो डिज़ाइन करें जो ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचे, तो हो सकता है उसके लिए आपको कैनवा प्रो ही ज़रूरी हो, क्योंकि जो फीचर्स कैनवा प्रो पे हैं वो बेसिक पे नहीं है। आप कैनवा प्रो पे बहुत अच्छे से अच्छा लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं और बेसिक पे आप बिल्कुल बेसिक से लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आप अर्निंग के हवाले से देखें तो हो सकता है कि बेसिक आपको उतने पैसे ना दे सके जितना के प्रो दे सकता। ठीक है, ठीक है सर। तो कैनवा प्रो का और बेसिक का डिफरेंस जो है वो टेम्पलेट्स का है, रेस्ट्रिक्शंस का है, कि बेसिक में ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्रो में आपके पास हर चीज़ की इजी एक्सेस है, आप जो मर्जी टेम्पलेट यूज़ करें, जो भी काम करना चाहें। तो हम आगे चलते हैं कि लोगो बनाने की ज़रूरत क्या महसूस होती है, आप में से कोई बता सकता है कि हम
मतलब मेरी ये कंपनी है, मैंने उसका लोगो बनाना है, तो मैं लोगो क्यों बनाऊं? लोगो के बगैर क्या मेरी कंपनी नहीं चल सकती? कोई बताएगा? वो सर, सर वो कंपनी का साइन जी होता है। सर, वो एडवर्टाइज के लिए होता है ना लोगो, जो भी कंपनी बनाती है अपना लोगो रजिस्टर करती है उसके लिए बनवाते हैं ना लोगो एडवर्टाइज के लिए। सर हर कंपनी का अपना साइन होता है, तो वो इसलिए शो करना होता है कि ये हमारी कंपनी का साइन है, लोगो इसलिए बनाते हैं। ठीक है, यानी कि आप जो भी आंसर दे रहे हैं, दो आंसर्स मिले हैं कि एक कंपनी का साइन है, एक कंपनी की पहचान है लोगो, तो वो बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर कंपनी का, यानी कि आप लोगों को बता ही नहीं सकते कि यार मेरी कंपनी ये है तो ये करती है। तो लोगो आप बनाते हैं किसी एक कंपनी के मोटो को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक कंपनी के फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब लोगो के साथ आपने देखा होगा कि आपकी फेसबुक पे, फेसबुक तो सारे यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया वेरियस जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूज़ करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम, तो आपने देखा होगा कि उन पे एड्स चल रहे होते हैं। एड्स देखे हैं आप सब ने, तो कुछ एड्स ऐसे होते हैं कि हम उन्हें देख के फ़ौरन स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, और कुछ एड्स ऐसे होते हैं कि जिस पे आप रुक के देखते हैं कि एड में है क्या, वो लोग क्या चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो क्या सेल कर रहे हैं। मतलब वो एक एड जो है वो आई कैची होता है, आप थोड़ी देर के लिए उस पर रुकते हैं, बेशक वो टाइम सेकंड्स का होता है, 4 से 5 सेकंड के लिए कोई भी चीज़ है, आप उस एड को देखते हैं, मतलब उस एड पे उन्होंने अपना कोई भी लोगो लिखा होता है, फंक्शन लिखा होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, मार्केटिंग के जो चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली जो लोगोज़ होते हैं ना, वो मेन इसलिए होते हैं कि उनसे हमारी लीड जनरेशन होती है। लीड जनरेशन बेसिकली एक मार्केटिंग की टर्म है कि आप कोई भी एड देखते हैं और ऐड से आप फिर उनकी वेबसाइट पे लैंड करते हैं, या जो भी उनका पेज वगैरह है वहाँ पे लैंड करते हैं, उनकी सर्विसेज को देखते हैं, ख़रीदते हैं, तो इसको हम लीड जनरेशन कहते हैं। खैर ये एक मार्केटिंग की टर्म है, तो हम मार्केटिंग पढ़ेंगे तो हम इन टर्म्स को थोड़ा ज़्यादा मज़ीद डिटेल में भी देखेंगे। अब हम आते हैं कि लोगो को हमने डिज़ाइन कैसे करना है। हमने एक प्रोफेशनल लोगो बनाना है तो कैनवा पे कैसे बनाना है? तो कैनवा पे ये कुछ ऑप्शंस होती हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। लोगो मेकर है, फ्लायर मेकर है, बैनर है, पोस्टर है, रेज्यूमे है, इनविटेशन है, इस तरह वाइट बोर्ड्स हैं, ग्राफ्स हैं, वेबसाइट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कैनवा ऑफर करता है। बेसिकली जो कैनवा बेसिक वर्जन है और प्रो वर्जन है, उसमें ये होता है कि कोई भी आप चीज़ लेते हैं तो उसमें आगे जो टेम्पलेट्स आते हैं तो वो फ़र्क होता है कि आपके पास बेसिक लेवल में सारे टेम्पलेट्स नहीं होते, प्रो में सारे टेम्पलेट्स होते हैं। जिस तरह अब हम कोई ये लोगो मेकर को ही देख लेते हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी लोगो मेकर का है। तो कैनवा का, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि ये मेरे पास तो प्रो वर्जन था और मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ था। तो जब आप गूगल पे कैनवा सर्च करेंगे, कैनवा पे आपने लॉगिन कैसे करना है, कैनवा को आपने गूगल पे सर्च करना है, तो जो पहला ही ऑप्शन आएगा उसको आपने ओपन करके उसके अंदर फिर लॉगिन और साइन अप वगैरह जो है वो करना है। तो उसके लिए आप अपना कोई भी, मेरा क्योंकि लॉगिन हुआ है तो कैनवा के होम पेज पे आ जाता है, तो आप अपने किसी भी बेसिक जीमेल, कोई भी जीमेल आईडी है आपकी, वो आप उसके अंदर एंटर करें तो आपका वो गूगल से कैनवा कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब आप कैनवा, फेसबुक जी से भी लॉगिन हो सकता है। नहीं, फेसबुक से नहीं हो सकता, जो आपकी जीमेल वाली आईडी है उससे हो सकता। ठीक है, तो जब आप लोगो, सॉरी जब आप साइन इन कर लेते हैं तो आपके पास ये एक स्क्रीन आ जाती है आगे। अब उसमें आपने लोगो डिज़ाइनिंग के लिए ये डिज़ाइन स्पॉटलाइट में जाना है, उसके बाद लोगो मेकर में जाना है। अब हम आज के अपने लोगो डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं, तो ये स्टार्ट डिज़ाइनिंग का कस्टम लोगो। अच्छा, कस्टम लोगो क्या होता है कि आप लोगो को अपने मुताबिक जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें चीज़ें चेंज कर सकते हैं, उसके कलर्स हैं, कुछ भी है, सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। अब जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि बेसिक और प्रो वर्जन में क्या फ़र्क होता है, तो ये आप EDU और साथ एक ही कैप बनी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये सिल्वर कलर में आ रही है। मेरे पास क्योंकि कैनवा प्रो है तो ये मेरे पास सारी ऑप्शन जो है ना वो अवेलेबल हैं कि मैं ये वाला चाहूँ तो ये वाला यूज़ कर लूँ, या ये जिसके ऊपर कोई भी ये साइन नहीं होता मैं ये वाला यूज़ कर लूँ। तो जो बेसिक वर्जन होता है उसमें यहाँ पे एक क्राउन सा बना होता है, क्राउन का सिंबल जो आ रहा होता है वो प्रो वर्जन वाला होता है कि उसको सिर्फ प्रो वर्जन वाले यूज़ कर सकते हैं, और जिसके ऊपर कोई साइन नहीं है मतलब वो आप बेसिक में भी यूज़ कर सकते हैं और प्रो वर्जन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कैनवा का फीचर्स देख लिए कि उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, सारे जिस तरह के मैंने आपको बताए हैं, हम लोगो डिज़ाइनिंग से लेके सारा ये फ्लायर पोस्टर वगैरह सारा कुछ हम कर सकते हैं।
उसके बाद आता है कि हम लोगो डिज़ाइनिंग के ही अब डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। आप कहते हैं कि मैंने एक लोगो बनाना है, मेरे पास शू की एक कंपनी है, शूज़ की मतलब जूतों की कंपनी है, मैंने उनके लिए लोगो ट्राई करना है, तो आप शूज़ लेके सर्च करें तो ये वेरियस टेम्पलेट्स आ जाते हैं। इसमें फ्री वाले भी हैं और पेड वाले भी हैं, ये मिक्स ही हैं। शूज़ के अलावा आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि मैंने कोई मतलब स्पोर्ट्स का किसी को शौक है तो मैंने स्पोर्ट्स का लोगो बनाना, तो ये स्पोर्ट्स लिख के आप सर्च करें। जिस तरह कोई भी आपने लोगो बनाना है तो आप उसको लिख के सर्च करेंगे तो उसके आगे से रिलेटेड टेम्पलेट्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे। आप कहते हैं मैंने कोई फैशन का लोगो बनाना, तो फैशन के हिसाब से भी आप लोगो बना सकते हैं। आपका कोई क्लोथिंग ब्रांड है, आप कहते हैं जी क्लोथिंग है मुझे लोगो चाहिए, तो आप क्लोथिंग लोगो बना सकते हैं कपड़ों के लिए जो यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब सब ही अवेलेबल है, आप जो भी चाहें वो इस पे लोगो क्रिएट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी, सर ऐसे तो हजारों लोग ये लोगो यूज कर रहे होंगे, तो ऐसे कॉपी नहीं हो जाएगा? नहीं कॉपी नहीं होगा। आपने देखे फॉर एग्जांपल क्लोथिंग का ही है आपका, तो क्लोथिंग का जब भी आपने ये लोगो बनाना है तो आपने अपने ब्रांड के मुताबिक उसका नाम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जब आप नाम चेंज कर लेते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि जो है जिस तरह है आप उसी को सारा ही कॉपी पेस्ट कर लें, आप उस पर कलर चेंज करते हैं, आप उस पर अपने फॉन्ट को चेंज करते हैं, तो वो जब आप पूरा अपने ब्रांड के मुताबिक उसको डिज़ाइन कर लेते हैं तो फिर उस पर कॉपीराइट्स नहीं आते, वो फिर लोगो आपका हो जाता है, आप उसको जहाँ चाहें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सर थोड़ी सी भी एडिटिंग करेंगे उसके बाद कॉपीराइट नहीं आएगा ना? नहीं आएगा कॉपीराइट, ऐसे नहीं आता। कॉपीराइट तभी आता है जब आप एक लोगो किसी भी जगह से उठाएं और बगैर उसका कलर चेंज किए, बगैर कुछ किए, आप सिर्फ अपना नाम लिखें और उसको किसी सोशल मीडिया पे लगा दें तो फिर ही कॉपीराइट्स आते हैं उस पे, ऐसे नहीं आते कॉपीराइट्स। लोगों के भी कॉपीराइट्स होते हैं? जी, लोगों पे भी कॉपीराइट्स आते हैं। हर चीज़ जो आप एक सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर रहे हैं वो लोगो है या किसी चीज़ का नाम है, तो कोई भी ब्रांड उस पे कॉपीराइट्स आपको दे सकता है, आपके खिलाफ केस कर सकता है। आप ये जो जितने बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, इन्होंने देखा होगा कि आप वो होता है कि SECP है, इधर जो आपने अपनी कोई भी एक कंपनी बनानी है तो आप उसको पंजाब में रजिस्टर करवाते हैं, पाकिस्तान में रजिस्टर करवाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन का बेसिकली मकसद ये होता है कि फिर आपकी कोई चीज़ों को इस तरह यूज़ ना कर सके, तो अगर आप किसी का लोगो भी उठा लेते हैं तो वो कंपनी आप पे अच्छा भला केस कर सकती है और पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है उस पर। ठीक है, ठीक है सर। तो हम आगे चलते हैं। बेसिकली जो आज हम लोगो बनाएंगे वो हम एक एजुकेशन लोगो बनाएंगे, ये तो प्रैक्टिस ही है, आप जो भी चाहें वो लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली जो मेरा पर्पज़ है यहाँ पे वो आपको कैनवास से फेमिलियरिटी है कि आप कैनवा किस तरह यूज़ कर सकते हैं और उसमें बाकी जो चेंजेस करनी है फॉन्ट्स की कलर्स की वो आपने कैसे करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई भी एक, सर जी हमें मतलब कोई भी पेड लोगो लेना हो तो वो कैसे हम ले सकते हैं? पेड लोगो के लिए आपको कैनवा प्रो लेना पड़ेगा। कैनवा वो प्रो के मतलब बगैर आप पेड लोगो जो है वो चेंज नहीं कर सकते। पहले जी मतलब फ्री पे ही हम जी, मैं जो आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा वो फ्री की ही करवाऊंगा, बाद में आप कोई पेड लोगो डिज़ाइन करना चाहें, उसको यूज़ करना चाहें, तो उसके लिए आपको कैनवा प्रो की एक्सेस चाहिए होगी। वो जब हम सॉफ्टवेयर्स का देखेंगे तो वो कैसे करना है, क्या करना है, वो हम सारा आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, उस वाले से आप परेशान ना हो। ठीक है, कैनवा प्रो भी ठीक मिलेगा है। आपको, सारे टूल्स मिलेंगे। आप बेसिकली टूल्स को भी देखें लेकिन साथ साथ आप स्किल्स को भी देखें। टूल्स यूज़ करने के लिए आपको जिन स्किल्स की ज़रूरत है वो स्किल्स भी होने चाहिए आपके पास, तभी आप उन टूल्स को बेहतर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत ठीक ज़रूरी हैं। अगर आपके पास टूल्स हैं स्किल्स नहीं हैं तो वो टूल्स किसी काम के नहीं हैं, अगर स्किल्स हैं टूल्स नहीं हैं तो वो स्किल्स किसी काम के नहीं हैं। तो आप स्किल्स भी सीखें साथ टूल्स भी लें ताकि आप अपनी स्किल्स को बेहतर यूज़ करके पैसे कमा सकें। ठीक है, सर काइंडली ये क्वेश्चन वगैरह करने के बाद ना अपना माइक म्यूट कर दिया करें। तो हम ये एक लोगो सिलेक्ट कर लेते हैं, ये फ्री लोगो है। ठीक है, इसके ऊपर कोई यहाँ पे साइन नहीं है तो इसका मतलब है ये फ्री लोगो है और बेसिक में भी अवेलेबल है, आप बेसिक में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लोगो के आपके पास आगे आगे दो पार्ट्स आ गए हैं, एक इसका ये ब्लू बैकग्राउंड के साथ है और एक वाइट बैकग्राउंड के साथ है, आप जो भी यूज़ करना चाहें, मतलब हम ब्लू कर लेते हैं।
आप अगर वाइट करना चाहें तो वाइट भी कर सकते हैं। अब मज़ीद आप इसमें देखेंगे, इसमें तीन चार चीज़ें हैं। एक ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर उन्होंने नीचे अपना एक मतलब तस्वीर लगाई हुई है, तस्वीर के नीचे फिर टेक्स्ट है, फिर टेक्स्ट है। अब इसमें जो तीन चार चीज़ें होती हैं कि आपने टेक्स्ट चेंज करना है, आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, आपने कलर चेंज करना है, पोजीशन चेंज करनी है, कोई मज़ीद चीज़ ऐड करनी है, तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन करके जो जो इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं वो सारी चेंजेस करके बताऊंगा। अगर मज़ीद आप कोई चेंजेस आपकी सोच में आए कि हम सर ये कर सकते हैं तो आप पूछ लीजिएगा, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को ही देख लेते हैं। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है कॉलेज एजुकेशन का, तो इसको हम अपने इंस्टीट्यूट के मुताबिक कर लेते हैं। हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेते हैं अपने, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। एंड प्रोफेशनल लर्निंग। अच्छा, अब ये ज़रा थोड़ा बड़ा नाम हो गया, हम इसको छोटा ही कर लेते हैं। हम यहाँ पे सर सिंपल, जी, फॉर सपोज मतलब आपको कोई ऑर्डर आता है लोगो बनाने का, जी, मतलब आप हमें लोगो बना के दें इस कंपनी के नाम से, जी, आप मतलब उसकी कितनी चार्जेस लेते हैं एक लोगो की? मतलब आप मेरे से पूछ रहे हैं अगर मुझे लोगो बनाने का ऑर्डर आए तो? जी, आपको मतलब आया हो तो कोई। ये तो एक अच्छा सवाल है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप देखें कि आपको कंपनी किस लेवल की है जिसने अप्रोच की है, ठीक है, जी वो आपको कितने पैसे ऑफर कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपको, मतलब मैं कह देता हूँ कि आपको मिसाल के तौर पे कोका कोला का एक भाई सेल्स एग्जीक्यूटिव की कॉल आई है, वो कहता है आप मुझे कोका कोला का लोगो बना के दें, ठीक है। तो आप अगर कोका कोला वाले बंदे से एक लोगो बनाने का 1 लाख मांगेंगे और आपका लोगो अच्छा होगा, आई कैची होगा, तो वो आपको 1 लाख भी देगा, ठीक है। यही आप किसी ऐसे मतलब कोका कोला को छोड़ के आपके इलाके में एक बंदा है, उसने अपना नया बिजनेस शुरू करना है। फॉर एग्जांपल उसने एक आइसक्रीम पार्लर शुरू करना है, वो कहता है यार आप मेरे दोस्त हो तो आप मुझे ना एक आइसक्रीम पार्लर का लोगो बना दो, ठीक है। आप एक नहायत अच्छा लोगो डिज़ाइन करते हैं, आप उसे कहते हैं यार मैं तुमसे मतलब 1 लाख की डिमांड करते हैं आप उस आइसक्रीम वाले से, तो वो तो आपको कभी भी नहीं दे सकेगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, आपने देखना होता है कि अगला बंदा आपको कितना पे कर सकता है, आप उसके हिसाब से फिर अपनी डिमांड करते हो। सर मार्केट के हिसाब से ही पेमेंट बताएंगे ना उसको, ऐसे मतलब ज्यादा तो नहीं बताएंगे ना? नहीं, मार्केट के हिसाब से भी है और क्लाइंट के हिसाब से भी है। मार्केट में जो आप देखते हैं फाइवर वगैरह पे, तो एक लोगो आपको फॉर एग्जाम्पल एक बंदा $5 का बना के दे रहा, वही लोगो आप किसी एक दूसरे सेलर के पास जाते हो जिसका कोई रैंक 2 है या वो प्रो फाइवर सेलर है, ठीक है, तो वो आपको $25 में बना के दे रहा है, $30 में बना के दे रहा है, $50 में बना के दे रहा है। अब $5 वाला भी लोगो है, $50 वाला भी लोगो है, मार्केट में तो सारे रेट्स हैं। डिपेंड करता है आप लोगो किस तरह का डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है। अगर तो जी आप लोगो अच्छा बना रहे हो तो आप उसी लोगो के $50 भी चार्ज कर सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल सा लोगो बना रहे हो तो आप वो $5 से लेके $10 तक भी सेल कर सकते हो। उसकी मार्केट मतलब मार्केट में ट्रिक्स आपके होंगी ना? स्किल्स की डिमांड है, अच्छा ठीक है, तो ये आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक। तो आगे मैंने अच्छा अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लिया। अब इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं कि मैंने इसका कलर चेंज करना है, ठीक है, तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। ऊपर आप देखते हैं ये कुछ ऑप्शन हैं कि हमारे पास सबसे पहले ये TT रमेलास लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो है वो फॉन्ट्स हैं, फॉन्ट्स के डिज़ाइन हैं। आपने वर्ड यूज़ किया हो, एक्सेल यूज़ किया हो, तो उसमें वेरियस ये चीज़ें आ रही होती हैं, तो ये सारी आप देखें कि हम उसको किसी भी जो है वो उस पर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट पे जो भी आप चाहें फॉन्ट। फ़ॉन्ट के बाद उसका साइज़ आ जाता है कि आप उसका टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। अब उसके बाद ये आ गया टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो ये कलर्स पे हमारे पास वेरियस ऑप्शन है, कोई भी आप कलर यूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं हमारे ब्लैक करना है, ब्लैक कर लें, डार्क ग्रे है, रेड है, लाइट ब्लू है, स्काई ब्लू है, आप जो भी कलर चाहें वो इस तरह कलर वाले यहाँ पे ये टेक्स्ट कलर पे आगे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया फ़ॉन्ट जो हमारे पास थे। अब आती है हमारे पास मज़ीद पिक्चर, ठीक है। पिक्चर में जो है वो जो
कलर्स यूज़ हो रहे हैं। अब एक मज़ेदार चीज़ ये है कि जब भी आप कोई इस तरह का सिलेक्ट करते हैं ना, मैंने ये बॉक्स सिलेक्ट किया है, तो इसमें आप ये राइट साइड पे देख रहे हैं, तीन कलर्स आ रहे हैं आपके पास। एक ब्राउन है, एक थोड़ा सा ऑफ वाइट है, एक थोड़ा डार्क कलर का वाइट है। तो इसमें जितने भी कलर्स यूज़ हो रहे हैं ना, वो सारे कलर तो आपके पास इस तरह सामने शो हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राउन ये है, थोड़ा सा ये वाला कलर ऑफ वाइट है, ये वाइट है। तो ये तीनों कलर हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि इसमें क्योंकि तीन कलर यूज़ हो रहे हैं, आप कहते हैं कि मैंने इसमें से कोई एक कलर जो यूज़ हो रहा है उसको चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ब्राउन कलर जो इसमें यूज़ हो रहा है, मुझे ब्राउन अच्छा नहीं लग रहा, मुझे स्काई ब्लू कलर अच्छा लगता है। तो आप वो ऊपर से ब्राउन कलर सेलेक्ट करेंगे और इधर से कलर्स में आके जो कलर आपने सेट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, तो वो आपके पास उसी स्पेसिफिक पार्ट का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप कहते हैं मैंने वाइट कलर को चेंज करना है, आप ऊपर से वाइट को सेलेक्ट करें, यहाँ पे आएँ, उसकी जगह पे आप कोई भी कलर सेलेक्ट करें, डार्क ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, जो भी मतलब आपको कलर सूटेबल लग रहा है अपने लोगों के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें एक मज़ेदार चीज़ ये है कि कलर ग्रेडिंग है, आप कोई भी कलर जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका आप शेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एक कलर येलो है ये, तो येलो कह लें, यहाँ पे आप ले जाएंगे तो ये येलो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ले आएंगे तो थोड़ा सा ब्लैकिश येलो हो जाएगा। इसी तरह आप इसके कलर्स के ग्रेड्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको अपने मुताबिक चेंज कर लें, इसको हम कलर ग्रेडिंग कहते हैं। ग्रेडिंग आप किसी भी कलर को यूज़ करते हुए चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें काइंडली। सर, ये आपने जो टेक्स्ट लिखा IMPL, जी, इसका शेप कैसे, वो शेप में कैसे आया? शेप में मतलब ये जो कर्व से बना हुआ है, इसकी आप बात कह रही हैं जी बिल्कुल या यहाँ पे मैंने लिखा कैसे है? सर, ये कर्व में कैसे है? कर्व वाला जो लोगो है ना, ये हम अभी थोड़ा सा एंड पे देखेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लोगो इंपोर्ट किया था उसमें ये आप देखेंगे कर्व में पहले से लिखा हुआ था, तो इसलिए ये कर्व में ही था। अभी मैं आपको, तो ये मैंने एक लोगो का टेम्पलेट लिया है, उस पर मैं आपको चेंजेस करके दिखा रहा हूँ कि आप उसमें मज़ीद क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, किस तरह उसे अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस अगले यानी कि लेक्चर के सेकेंड हाफ में एक खुद से लोगो क्रिएट करना सिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप टेक्स्ट को जो है वो कर्व में कैसे बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, मुझे पता है कि कैसे लेके चलना। तो क्वेश्चन आपका अच्छा है, वीडियो के यानी कि लेक्चर के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसे हमने कर्व में कैसे करना, ठीक है। तो इस तरह हम आगे चलते हैं। कलर्स की आपने ग्रेडिंग देख ली, टेक्स्ट का फॉन्ट, उसका कलर देख लिया आपने। अब आप कहते हैं कि ये तो चले ठीक है, मेरे पास जो है ना इस तरह का, इन्होंने एक ये तस्वीर लगाई हुई है, मैं यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करें, ये नीचे एक ऐड पेज की ऑप्शन है, आप पहले एक नया पेज ऐड कर लें, ठीक है। फिर आप वापस आएँ जहाँ से आपने लोगोज़ ऐड किए थे, आप यहाँ से कोई दूसरा लोगो भी ओपन कर लें कि जिसको आप अपने पहले वाले लोगो पे पेस्ट कर सकें, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, चलें हम कहते हैं ये एक लोगो है, ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब मैं कहता हूँ जी मेरा जो लोगो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ उसमें मेरे पास ये वाली शेप होनी चाहिए, ये कैप है और ये लाइन जैसे बनी हुई है, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको आप कंट्रोल सी करें और अपने ऊपर वाले लोगो पे ले जाके कंट्रोल वी यानी कि वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो ये आपके पास एक बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको आप पिक्चर में कहीं भी ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। अभी मसला क्या है कि आपका जो पहले वाला लोगो था, आपने जो इसके ऊपर ड्रॉप किया है, ये इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, मतलब उसके फ्रंट साइड पे शो हो रहा है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करें तो आपके पास ये ऑप्शन आती है सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक। सेंड बैकवर्ड करते हैं तो ये आपके पुराने वाले लोगो के पीछे शो हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसे सेंड फॉरवर्ड करेंगे तो ये आपके पुराने वाले लोगो के ऊपर शो होगा,
ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ जब कोई ऐड करते हैं किसी दूसरे लोगों से लेके, तो वो आपने देखनी है कि आपने अपने उसे प्रीवियस लोगों के बैक साइड पे रखना है कि फ्रंट साइड पे रखना, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का लोगो चाह रहे हैं। अगर आप उसे फ्रंट पे एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो फ्रंट पे कर लें, अगर बैक पे जा रहे हैं तो बैक पे कर लें। अच्छा, अब हमने ये जो ऐड किया था इसको हम थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं। पहले हम इसे ना बैक साइड पे ही शिफ्ट कर लेते हैं। बैक साइड पे शिफ्ट कर लिया हमने। अब ये हमारा जो पहले वाला लोगो था ये हमारा फ्रंट साइड पे है, वो पीछे शो हो रहा है। ठीक है, हम कहते हैं अभी ये कलर्स इसके हम चेंज कर लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी बॉक्स आप सिलेक्ट करते हैं तो उसके कलर्स यहाँ पे ऊपर शो हो जाते हैं। अब इसमें तीन कलर हैं, लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू है, ग्रीन है, और ये भी एक ब्लू कलर का ही एक वेरियंट है जो यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप कहते हैं कि मैंने फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन कलर चेंज करना है, आप ग्रीन पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास सारी ऑप्शन आ जाती हैं। आप इसको कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ब्लू अच्छा लगता है कि मेरा पहले वाला लोगो भी ब्लू ही है, तो ये मैंने इसे ब्लू कलर पे सिलेक्ट कर लिया। इस तरह आप ये डार्क ब्लू को सिलेक्ट करें तो आप इसको ब्लैक कर लें या कुछ भी कर लें जिस तरह आपको अच्छा लगे। तो बेसिकली जो बताने का मकसद है वो ये है कि आप किसी तरह चीज़ों को एक लोगो से दूसरे लोगों के ऊपर लेके जा सकते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी पहले वाला लोगो बनाया था उसके ऊपर मैंने ये दूसरे लोगो से एक टेम्पलेट उठा के उसके ऊपर पेस्ट किया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और होती है कि आपका एक पहले लोगो था और एक ये पीछे वाला लोगो है, ये काफ़ी ब्राइट है तो ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं लग रहा कि कौन सा लोगो मैं डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। तो आप इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, मतलब इस पे जो इसका देखने का कलर शेड्स हैं, वो आप थोड़े कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये तीन डॉट्स पे आएंगे और ये जो एक ट्रांसपेरेंसी वाली ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो 30 पे सेट करता हूँ। तो देख रहे हैं कि पहले ये बहुत ब्राइट था, हमारे फ्रंट वाले लोगों को भी ये छुपा रहा था, और अब क्या हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी जब कम की है तो ये इसकी जो ब्राइटनेस आप कह लें वो कम हो गई है, और हमारा जो फ्रंट वाला लोगो है वो ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, जो बैक साइड वाला लोगो है वो थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। ठीक है। इसी तरह आप अगर आगे वाले की ट्रांसपेरेंसी कम करना चाहें तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जो तीन डॉट्स हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये ब्लैक शेड्स की ऑप्शन आएगी, ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करें, और इसको सिलेक्ट करके जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी वाली ऑप्शन को भी देख लिया आपने। ओके सर, आइए। वन बाई वन सारी चीजें बता दीजिए सर। जी, क्या कह रहे हैं? वन बाई वन मतलब बताते जाएं सारी जी, चीजें। मैं तो कोशिश पूरी है कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं। अगर मज़ीद आपके जहन में कोई मज़ीद भी सवाल आ रहा है तो आप लोग वो पूछ लें, सवाल करते हुए परेशान नहीं होना। सर, जी, लोगों से मतलब हम कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं? जैसे मतलब सॉफ्टवेयर है, उस पे हम मतलब व्हाट्सएप पे 200 नंबर लगा लेते हैं, 200 नंबर व्हाट्सएप पे ही डील कर लेते हैं। जी, हम मतलब कोई भी प्रोडक्ट उनको भेज देते हैं उनकी मतलब सर्विस के बाद, और लोगो मतलब हमें कैसे लोगो लेना मतलब पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा, मतलब मैं सवाल समझा नहीं नहीं, आपका। मार्केटिंग तो चले ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी थी, व्हाट्सएप से आपने मार्केटिंग की, सेल कर ली, लोगों का आपका सवाल क्या है? सर लोगों की मार्केटिंग कैसे होगी? हम मतलब ये बना क्यों रहे हैं? हमने बना लिया लोगो। ये आपका काफ़ी अच्छा सवाल है। देखें, आप कहते हैं कि मैंने एक मार्केटिंग करनी है। ठीक है, मार्केटिंग करने के जी लिए आप अपनी एक छोटी सी कंपनी बनाएंगे। ठीक है, कोई कुछ चीज़ जी बनाएंगे ताकि आप लोगों को बता सकें कि भाई आपने अगर मेरे से मार्केटिंग करवानी है तो ये मेरी कंपनी का नाम है, ये मेरे ब्रांड का नाम है। ये चीज़ें आपको चाहिए कि नहीं जी चाहिए? ठीक है, आपने एक कंपनी बना ली, आपने उसका नाम रख लिया, आपका क्या नाम है? मोहम्मद ताहा। अच्छा, आपने उसका तहा मार्केटिंग नाम रख लिया। अब कंपनी बनाने के बाद जो मैं बेसिकली स्टेप होता है वो लोगों का होता है, कि लोगों की ज़रूरत क्यों होती है। अगर आप लोगों नहीं ना बनाते तो लोगों को, यानी कि बाकी लोगों को आप समझा ही नहीं सकते कि भाई मैंने जो कंपनी बनाई है वो मार्केटिंग की है। मार्केटिंग किस सही है चीज़ की कि करेगी? लोगों बंदे पहचानना है। सॉरी, आवाज़ आपकी ब्रेक हो गई थी। मैंने कहा
ये ना लोगो बंदे की एक पहचान है लोगो बंदी की पहचान है, बिल्कुल, ये हमने लेक्चर के स्टार्ट में ही डिस्कस किया था। तो आपने अगर सर। ये मैं समझता हूँ कि मतलब लोगो कंपनी की पहचान है, मतलब ये उनकी वो है। और ये मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जो हम लोगो बना रहे हैं जी वो जी हमें मतलब ऑर्डर कैसे लेना होगा, हमने अच्छा बना लिया अच्छा लोगो। आप उसको सेल करने की बात कर रहे हैं। देखें, आप एक जी लोगो जी बना के अपनी ही मार्केटिंग करें कि भाई अगर आपने अपनी कंपनी का लोगो बनवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है? ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने स्किल्स को सेल करने का। आपको लोगो बनाना आता है, आप व्हाट्सएप से ही मार्केटिंग करें कि भाई अगर आपने एक्सक्यूज मी अपना कोई सर, ब्रांड बनाना है। एक मिनट, मैं ज़रा पहले वाला क्वेश्चन क्लियर कर दूँ। आप व्हाट्सएप से ही मार्केटिंग करें कि अगर आपने कोई लोगो बनवाना है तो आप हमारे से कांटेक्ट करें। तो इस तरह आप लोगों को ना सेल कर सकते हैं, लोगो बना के पैसे कमा सकते हैं। सर यही हम शायद आप पूछना मतलब चाह रहे थे। सॉफ्टवेयर से हमने 200 नंबर उठाए, व्हाट्सएप पे ले आए उनको, जी, उन पे मतलब मार्केटिंग हम कर रहे हैं, उन 200 नंबर को ही मतलब हम अपनी ये जो लोगो है कंपनी कंपनी का वो जी भेज दें। वो आप भेजें, उन्हें कहें, अगर उनको बनवाना होगा तो फिर ऑर्डर बिल्कुल, देंगे। वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको ऑर्डर दे देंगे। इस तरह आप लोगों से पैसे कमा सकते हैं। और जो फ्रीलांसिंग है वो उससे भी फ्रीलांसिंग में तो बिल्कुल, फ्रीलांसिंग भी बिल्कुल है। फ्रीलांसिंग में आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, सारी जगह आप अपने स्किल्स। अब फाइवर की बात करें तो आप गिग बनाते हैं, अपवर्क की बात करें तो आप प्रोफाइल बनाते हैं, उसमें आप लिखें कि भाई मैं एक प्रोफेशनल लोगो मेकर हूँ, मैं ये वाला भी लोगो बना सकता हूँ। मुख्तलिफ चीज़ें, जिस तरह कि आप अपनी प्रोफाइल में अपना डिस्क्रिप्शन लिखें कि मैं ये कर सकता हूँ, उस तरह भी आप ऑर्डर ले सकते हैं। सर लोगों लोगों की जो मार्केटिंग है वो सबसे ज्यादा अच्छी व्हाट्सएप पे या और किसी प्लेटफॉर्म पे? ये हर जगह पे ही है। मैंने आपको बताया कि ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस क्या है आपकी। अगर आप अपने इलाके के लोगों को बताना चाह रहे हैं तो हो सकता है आपके इलाके के लोग फाइवर यूज़ ही ना करते हो, ठीक है? सर हमें अब मतलब ऑर्डर लेने के लिए अपना पहले लोगो बनाना होगा, अपनी नेम से कंपनी का लोगो बनाना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही वो हमें ऑर्डर देंगे दूसरा। मैं यही कह रहा हूँ कि ऑर्डर सर आपने अपवर्क और फाइवर पे प्रोफाइल्स बनाई हुई है? हमारी जो प्रोफाइल्स होती हैं वो हम अपनी जो पर्सनल हैं वो तो इतनी खैर यूज़ नहीं करते हम, क्योंकि ट्रेनिंग्स वगैरह ज़्यादा देते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स वगैरह की प्रोफाइल्स होती हैं। मतलब पर्सनल फाइवर मैं कभी यूज़ करता हूँ, कभी नहीं करता। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी बैक इन 2018, तब मैं यूज़ करता था, तो फाइवर पे भी प्रोफाइल थी, अपवर्क पे भी थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने ये टीचिंग वाली फील्ड ज्वाइन की है तो उसमें फिर ये होता है कि मेरे लिए सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर हम अगर हम 200 नंबर को डील करते हैं व्हाट्सएप पे जी, सॉफ्टवेयर के थ्रू, हमने उनको अपना लोगो भेज दिया अपनी कंपनी के नेम से, अगर एक किसी को भी मतलब नहीं बनवाना हो तो? देखें 200 तो आप बात कर रहे हैं ना, जो आप व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसे 200 तो कुछ भी नहीं है ना, आप उसे लाखों की तादाद में मैसेजेस भेज सकते हैं। तो जब आप 1 लाख बंदों को सेंड कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उन लाख में से कोई 10-15 लोग ऐसे होंगे जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, या अपनी कोई प्रोडक्ट है उसको बेचना चाह रहे होंगे, कोई चीज़ बेचना चाह रहे होंगे मार्केट में। क्योंकि देखें, डिजिटल मार्केटिंग जो हमारी कन्वेंशनल मार्केटिंग है उसे बहुत डिफरेंट है। आप डिजिटली ज़्यादा लोगों को अपनी प्रोडक्ट जल्दी बता सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाएं, दुकानों पे बताएं। तो वो मुझे लगता है कि एक ज़्यादा लंबा टास्क है। आप 200 की बात कर रहे सर हैं, 200 अगर हम कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप 1 लाख अगर बंदों को मैसेज भेजें तो एक सर लाख में से सर फाइव आप सर हम व्हाट्सएप पे डील करते हैं जी, सर, हमें कोई मतलब फॉरेन का मिल जाता है, हमें मतलब ऑर्डर मिल जाता है कि आप हमें ये ऑर्डर बना के दें, इतने पैसे हम $5 दे रहे हैं आपको एक एक लोगों के, तो उसकी पेमेंट हमें मतलब कैसे रिसीव होगी? वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहा है। पेमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो वो हम जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको पेमेंट्स का भी बताएंगे। मतलब इस पे सर फाइव फ्रीलांसिंग पे पूरा ये हमने एक मॉड्यूल सेट किया हुआ है, उसमें पेमेंट कैसे लेनी है, बाहर से कैसे मंगवानी है, ये सारी चीज़ें हम उसमें बताएंगे आपको।
पेपाल पे होती है ना सर पेपाल पे? ज़्यादातर? जी, पेपाल पे होती है। पेपाल आप पाकिस्तान में भी बना सकते हैं, उसके लिए एक RDP होता है, रिमोट डेस्कटॉप, वो उसकी एक्सेस लेनी पड़ती है। वो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी अगर आप उस लाइन पे चले जाएंगे तो फिर हमारा ये लोगो डिज़ाइनिंग वाला लेक्चर रह जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, पेपाल आप पाकिस्तान में भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे, तो उसके लिए रिमोट डेस्कटॉप होता है, कुछ लोगों को उसका पता है, कुछ को नहीं पता। तो वो आप पाकिस्तान में बैठे बैठे बाहर किसी भी मुल्क में अपना पेपाल का अकाउंट बना लेते हैं, आप पेमेंट वहाँ पर मंगवा लें। ठीक है, ठीक है सलाम वालेकुम सर। सर, इनको कह दें पहले स्किल सीख लें, बाद में सारी चीजें आगे वाले काम ये पहले सीखना चाह रहे हैं। नहीं, कोई मसला नहीं है। अब क्यूरीज होती हैं बच्चों की, तो जो सवाल उनके पहले से भी दिमाग में होते हैं। जी, सर मैंने ये पूछना था कि जो आपका है ऊपर टेक्स्ट है, उसमें अगर हम जो कलर है वो टेक्सचर करना चाहें, मतलब उसे मुख्तलिफ कलर्स में लाना चाहें, तो वो हम कर सकते हैं? टेक्स्ट को मुख्तलिफ कलर्स में लाना चाहें। जी, जैसे ये आपने लिखा हुआ है, जी इसे जी हम मतलब मल्टी कलर में करना चाहें तो फिर? वो भी हो जाएगा। उसके लिए आप क्या करें, ये एक सेकेंड, एम को सिलेक्ट करें और उसका कलर चेंज कर लें। आप एम के कलर में ठीक जाएं, है उसको आप फॉर एग्जांपल रेड कर लें। ठीक है, ठीक है इसी तरह आप एल को ठीक सिलेक्ट करें, उसका कलर चेंज कर लें, तो आप मल्टी कलर्स में कर सकते हैं। नहीं, जैसे अक्सर लोगों देखने को मिलते हैं कि वो होते हैं कि उसमें जैसे ये कलर आपने टेक्सचर टेक्सचर जिसे बोलते हैं, मतलब टेक्सचर कलर जिसे बोलते हैं, वो हो सकता है कैनवा में टेक्सचर सर? कलर, लाइक रेनबो कलर्स, रेनबो। बिल्कुल बिल्कुल रेनबो कलर। रेनबो कलर्स। आप, मैं आपकी बात शायद समझ नहीं पा रहा कि आप एक एक फोन को अलग अलग कलर देना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। नो no, मैं ये सर, कह रहा हूँ जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे ए लिखा हुआ है जी ऊपर के, बिल्कुल बिल्कुल इसमें कलर्स आए हुए हैं, देखें जी बाद में सेम वही कलर उसमें आ जाए टेक्स्ट में। सर इनका मतलब है कि मर्ज कलर। राइट, मर्ज कलर। ये वाली ऑप्शन को मैं देख के मज़ीद एक्सप्लोर करके आप लोगों को ना नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। मर्ज कलर वैसे हम कर सकते होंगे, मैंने अभी तक जी ठीक इस है ऑप्शन सर। को देखा नहीं है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मतलब हम एक एक लेटर में हम मुख्तलिफ कलर कर सकते हैं? एक लेटर में मुख्तलिफ कलर्स, हाँ वो भी कर सकते दूसरा हैं आप। कोई लोगो, दूसरा लोगो कोई बना हुआ होगा ना, आप कोई दिखा दें दूसरा। एक लेटर के भी मुख्तलिफ कलर्स कर सकते हैं। वो ये तरीका कार है कि आप एलिमेंट्स में जाएं। ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ ये शेप्स होती हैं लाइंस की, आप उन लाइंस को यूज़ करते हुए वो करेक्टर बना लें, और फिर उसमें आप जितनी लाइंस यूज़ करेंगे उसमें आप मल्टीपल कलर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अगर एम बनाना है, मैं एम के लिए 4 लाइंस को एम की शेप में लेके आता हूँ और हर लाइन का कलर अलग अलग कर लेता हूँ। ठीक वो होगा, आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा। सही ठीक है, होगा, मतलब ये ठीक होगा। मुख्तलिफ शेप्स हैं। आप ये देखें, अब डॉटेड लाइंस हैं, सारी लाइंस हैं, लाइंस एंड शेप्स हैं। कोई भी आप जिस तरह ये एरोज़ को यूज़ करते हुए कोई भी करेक्टर आप लिख लें, एम है, ओ है, पी है, बेसिकली जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, आप उनको अलग-अलग एलिमेंट से डिज़ाइन कर लें और फिर हर जी एलिमेंट जी का कलर अलग कर लें, तो आप वो टेक्सचर, मतलब जिस तरह रेनबो में आप कह रहे हैं, जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, उस तरह भी कर सकते हैं आप। कोई चलो बड़ी ठीक बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। और सर ये जो राइटिंग है इसको जो चेंज, यानी टेक्स्ट को जो है वो चेंज करते हैं, जी, वो ये कैसे? आप टेक्स्ट सिलेक्ट करें, ये ऊपर आपके पास फ़ॉन्ट्स की ऑप्शन आ रही है, इसमें से जो भी आप फ़ॉन्ट रखना चाहें वो रख लें। ठीक है, मतलब मैं इसको ये अरे कहीं वो ब्लैक कर लेता हूँ, तो इसे इसका देखा है आपने कि फ़ॉन्ट चेंज हो गया। कोई भी फॉन्ट आपने रखना है, टाइम्स न्यू रोमन हम बेसिकली ज़्यादा यूज़ करते होते हैं, अगर आपने वर्ड वगैरह यूज़ किया तो वो रख लें आप। ठीक है, मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, बहुत नहीं, शुक्रिया।
ठीक है, तो हमने कलर का भी देख लिया, हमने एक लोगों से कोई एलिमेंट दूसरे लोगों में ऐड करना है उसका भी देख लिया, ये सारी चीज़ें हो गई आगे। अब अच्छा, एक चीज़ है कि कोई भी आपने जब एलिमेंट दूसरे पे ऐड किया है तो वो आपने उस पेज पे कैसे प्लेस करना है, तो इसके लिए ये कुछ ग्रिड लाइंस होती हैं। आपने देखा है कि जब मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ तो ये एक लाइन आ रही है, एक डार्क लाइन है, एक ये डॉटेड लाइन आ रही है, तो इससे आप इसकी पोजीशन जो है ना वो अपने पेज पे सेट कर सकते हैं कि आपने इसे किस पोजीशन में सेट करना। मज़ीद अगर आप ये तीन डॉट्स पे क्लिक करें, ये पोजीशन की ऑप्शन है, आप इसे टॉप पे रखना चाहते हैं, मिडल ऑफ द पेज रखना चाहते हैं, बॉटम ऑफ द पेज रखना चाहते हैं, राइट पे, लेफ्ट पे, जो भी पोजीशन है आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, सर इसे अलाइनमेंट कहते हैं ना? जी बेसिकली इसे अलाइनमेंट कहते हैं, आप अलाइनमेंट कोई भी सेट कर सकते हैं। जी सर, एक क्वेश्चन है कि पूछना था कि एडोबी इलस्ट्रेटर यूज कर सकते हैं लोगो क्रिएट करने में? देखें, मुख्तलिफ टूल्स हैं, इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, बाकी भी पेड वर्जन्स भी हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स के, कुछ फ्री भी हैं, कोरल ड्रॉ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एक्सेल पे भी आप जी लोगों जी बना सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप डिफ़िकल्टी लेवल क्या चूज़ कर रहे हैं। अब एक काम जो आप कैनवा पे कर सकते हैं 5 मिनट में, मेरा ख्याल है अगर आप अडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करें तो आपको आधा घंटा लग जाए या 1 घंटा लग जाए। ठीक है, तो बेसिकली आपने अपना टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, जी ऐसे ही है सर ना, बिल्कुल, तो जी ये बिल्कुल, आप पे ही डिपेंड करता है कि आप अगर एक काम आसान तरीके से करना चाह रहे हैं या एक काम मुश्किल तरीके से करना चाह रहे हैं। एट द एंड प्रोडक्ट वही है कि आपने वही लोगो यहाँ पे भी डिज़ाइन कर लेना है, वही लोगो आपने वहाँ पे भी डिज़ाइन कर लेना, तो मेरा ख्याल है कि आप कैनवा को प्रेफर करें बजाय इसके कि आप वही 5 मिनट वाला काम 1 घंटे में करें। तो ये खैर, अब इलस्ट्रेटर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने, एक लोगों से दूसरे लोगों पे कोई चीज़ प्लेस करनी है वो भी हो गई। इसके अलावा एक मज़ीद ऑप्शन है कि ये अपलोड आ रहे हैं कुछ आपके साइट पे ना, आप यहाँ से कोई भी चीज़ अपनी तरफ से ऐड करना चाहें लोगों में तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मैंने कोई इसमें पिक्चर ऐड करनी है, तो मेरे पास तो यहाँ पे खैर अभी पिक्चर्स नहीं है कोई, या ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्क्रीनशॉट है, या इसके अलावा ये देखें मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं, चलें मैं आपको यही करके दिखा देता हूँ। मैंने उस लोगो में अपनी पिक्चर ऐड करनी है, तो ये सिंपल मैंने अपलोड्स वाले सेक्शन में आके अपनी पिक्चर अपलोड की, इसको मैंने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, ये तो अभी एक पिक्चर मेरे पास पड़ी थी ऊपर ही, तो यही मैंने प्लेस कर दी है। आपके पास जो भी पिक्चर हो, कोई कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आप एजुकेशनल लोगो बना रहे हैं, आपके पास किसी बुक की तस्वीर है, किसी पेन की तस्वीर है, कुछ भी है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और जब आप तस्वीर कोई ऐड करते हैं तो इस पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, क्रॉप की है कि आप उस तस्वीर का साइज़ कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चलें आपको ये करके दिखा लेता हूँ कि मैंने सिंपल इसमें एक डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग रखना चाह रहा हूँ, बाकी तस्वीर अपनी ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो ये डिजिटल मार्केटिंग आ गई। इसी तरह आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, आप इस तस्वीर को थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हैं, एडिट में आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, ब्राइटनेस की है, कंट्रास्ट की है, सेचुरेशन की है। ठीक है, और एक जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है इसमें, ये बैकग्राउंड रिमूवर है कि अगर कोई ऐसी तस्वीर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पेन है, पेन के पीछे कोई आपने बुक रखी हुई है, तो वो बैकग्राउंड भी आप उस तस्वीर का ऐसे रिमूव कर सकते हैं, जो कि आपको कैनवा प्रो बिल्ट इन ऑप्शन देता है। शायद अडोब इलस्ट्रेटर आप यूज़ करें तो उसमें आपको वो बैकग्राउंड रिमूवल की ऑप्शन नहीं देता बिल्ट इन, आपको वो खुद ही मज़ीद मेहनत करके बैकग्राउंड रिमूव करने पड़ेंगे। तो देखें, जो कैनवा के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि कैनवा को सुपीरियर बनाते हैं बाकी उन सॉफ्टवेयर से। ठीक है, ये मैंने आपको एक डेमो सा दिया, तो मज़ीद भी हैं जिस तरह हम आगे चलेंगे। इलस्ट्रेटर पे अब आप प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते, ठीक है, इलस्ट्रेटर पे आप वाइट बोर्ड वीडियोज़ नहीं बना सकते जो सारी आप कैनवा प्रो पे बना सकते हैं, तो कैनवा प्रो को बाकी सॉफ्टवेयर से इस तरह बहुत सुपीरियॉरिटी है।
ठीक है। ये बाकी भी चीज़ें हैं, कोई तस्वीरें इसमें से आप खुद ही ऐड करना चाहें या इस तरह एडिट करना चाहें, तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो था टेम्पलेट से लोगो बनाने वाला जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। सर ठीक है, इसके बाद वैसे तो हमने इसमें और एक एक करके सवाल पूछिएगा काइंडली। जी पूछें। सर कैनवा प्रो कहाँ से बाय कर सकते हैं? कैनवा प्रो को आप एक एक करके सवाल पूछें ताकि आपकी आवाज़ में सही आ जाए, अगर दो एक साथ बोलते हैं तो फिर आवाज़ डिस्टर्ब हो जाती है। सर जी हम मतलब दूसरे लोगों से कॉपी पेस्ट करके अपना लोगो बना सकते हैं ना? जी बिल्कुल, आप जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये ऊपर वाला जो फॉन्ट यानी कि जो पिक्चर थी मैंने एक लोगों से ली थी, जो हमारी पीछे वाली पिक्चर थी वो मैंने दूसरे लोगों से ली थी, तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। अगर हम बिल्कुल ही डिफरेंट बनाना चाहें अपना खुद, तो वो कैसे वो बन हम सकता मंडे है? वाली वीडियो में देखेंगे, अभी क्योंकि हमारा लेक्चर का टाइम पूरा हो गया तो करवाना तो वैसे मैंने आज ही था वो, लेकिन वो उसको हम इंशाल्लाह मंडे वाले में देखेंगे कि खुद ही हमने अगर कोई शेप बनानी है, इस तरह की सर्कल बनानी है, फॉन्ट्स ऐड करने हैं, टेक्स्ट ऐड करना है, कोई पिक्चर ऐड करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे ये इंशाल्लाह हम मंडे वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो सर ये कैनवा में एक एक करके सवाल पूछें। सर क्लासेस मंडे टू थर्सडे होंगी? जी क्लासेस मंडे टू थर्सडे होंगी और 8 to 9 PM होंगी, टाइम सेम ही होगा। सर व्हाट्सएप का जो सॉफ्टवेयर जी है उस पे मतलब मैक्सिमम कितने नंबर्स आ सकते हैं व्हाट्सएप पे अगर हम लगाएं तो? व्हाट्सएप पे मैक्सिमम नंबर, उसकी कोई लिमिट नहीं जी है। व्हाट्सएप मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो उस पर कोई लिमिट नहीं है कॉन्टैक्ट्स ऐड करने की, आप जितने चाहें। उस सॉफ्टवेयर पे हमें ये पता चल सकता है कि मतलब इनको मतलब अभी कंपनी रजिस्टर करवानी है अभी ये? नहीं, ऐसा नहीं होता उस पर। आप ये नहीं पता लगा सकते कि उसने कोई सर कंपनी बनानी है कि नहीं बनानी, वो तो खुद ही आपसे जब कांटेक्ट करेंगे तो फिर आपको वो अपनी डिमांड बताएंगे कि हाँ जी हमने कंपनी बनानी है तो किस चीज़ की बनानी है। हमें ऑर्डर लेने के लिए एक लोगो बना के सबको एक्सक्यूज मी भेजना सर, ना तो होगा। क्लास जी मंडे को होगी? जी मंडे टू थर्सडे और 8 PM to 9 PM। सर ने सर सर कैनवा कल प्रो अच्छा कहाँ से ले सकते सर हैं? सर कैनवा में उर्दू फॉन्ट यूज कर सकते हैं? टेक्स्ट को टेक्स्ट एक एक करके का सवाल सर्कल पूछें। बता दे कैसे बनाया हमने? ये टेक्स्ट वाला क्या टेक्स्ट सवाल का था? सर्कल कैसे बनाया जी? टेक्स्ट टेक्स्ट को सर्कल में कैसे चेंज करिए, शेप में सर्कल शेप में कैसे लेकर आए वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये टेक्स्ट है, इसमें आप ऐड अ हेडिंग में जाते हैं, फॉर एग्जांपल यही है ऐड अ हेडिंग है, सर? इसमें से आप यहाँ पे इफेक्ट्स में जाके इसको कर्व में चेंज कर सकते हैं, कर्व का नीचे ऑप्शन होता है, कर्व को ज़्यादा कर लें कम कर लें, तो इस तरह आपने जो भी एक हेडिंग है या जो भी टेक्स्ट है उसको आप कर्व में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मज़ीद ये सारी चीज़ें मैं आपको मंडे को बताऊँगा। कोई आज वाले लेक्चर से कैनवा आया तो प्रो मंडे कहाँ से बाय पूछना। कर सकते हैं? कैनवा प्रो आपको, अच्छा जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बाय करने के लिए आपको ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो आप बाई कर सकते हैं, कैनवा प्रो है, बॉट मास्टर है, व्हाट्सएप सेंडर, बिजनेस एक्सट्रैक्टर, मैप डाटा, ये सारे सॉफ्टवेयर आप ले सकते हैं। ये मिस्टर आसिफ नसीर हैं जिनका के हमारी एनजीओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप हमारी एनजीओ के थ्रू हमारा नाम लेके बता के आप इनसे सारे सॉफ्टवेयर बाई कर सकते हैं। सारे सॉफ्टवेयर अगर आपने बाई करने हैं तो उनकी टोटल कॉस्ट जो है वो 10,000 है। अगर आप देखें तो 10,000 वैसे इन सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक है, ये तकरीबन कोई 15-16 सॉफ्टवेयर बनते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैंने सारे नहीं बाय करने, मैंने कोई सिंगल सिंगल भी करना है, तो सिंगल अगर आप हमारी एनजीओ के थ्रू करते हैं तो आप वो 1,300 में भी हमारा रेफरेंस दे के कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैंने सिर्फ कैनवा सर प्रो लेना है तो बैक जी। करें आप जी? सर एक सॉफ्टवेयर दो बंदे यूज कर सकते हैं? नोट करना है मेरा अभी। एक एक करके सवाल पूछ लें काइंडली।
जी।